तवायफो की कहानी में देशभक्ति का तड़का, वो भी ग्लैमरस अंदाज में। ऐसा कॉम्बिनेशन तो डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला 1 मई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में। फिल्म के भव्य सेट से लेकर इसके बजट तक सबको लेकर जबरदस्त हाइप थी। वेब सीरीज संजय लीला भंसाली का OTT डेब्यू भी थी। हीरा मंडी में वो तवायफो की उसी दुनिया को लेकर आए हैं जिसे वो अपनी फिल्मों में अक्सर पेश करते आए हैं। हीरा मंडी में मनीषा कोयराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मीन सहगल, शेखर सुमन, फरदीन खान, अध्ययन सुमन और फरीदा जलाल हैं। ये सभी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो काफी दिनों से फिल्मी पर्दे से दूर थे, लेकिन संजय लीला भंसाली वो डायरेक्टर हैं जो कांच को भी हीरा बनाकर पेश करने का हुनर रखते हैं। तो हीरा मंडी को भी देखकर कुछ ऐसा ही एहसास होता है। करीब 1 घंटे के 4 और करीब 1.25 घंटे के 4 और एपिसोड, यानी कुल 8 एपिसोड की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली का वो ख्वाब है जो उन्होंने 14 साल पहले से ही बुनना शुरू कर दिया था और अब जाकर वो पूरा हुआ है। लगभग 4 साल से इसकी मेकिंग पर काम चल रहा था। AM तुराज के लिखे गीत और संजय लीला भंसाली का संगीत इस सीरीज की आत्मा है, तो सुब्रत चक्रवर्ती व अमित राय के बनाए सेट्स इसका अवतार। सीरीज का संपादन भी खुद संजय लीला भंसाली ने किया है, तो समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा जिसकी इस कहानी में कोई जरूरत ना हो। कहानी आजादी से ठीक कुछ साल पहले की है। लाहौर इसका रंगमंच है, तवायफे इसके सबसे अहम किरदार है। अब बात करते हैं इसकी कहानी की, तो ये कहानी मल्लिका जान की है। मल्लिका जान लाहौर के इस कोठे पर कैसे आई, ये यहाँ की सबसे कद्दावर तवायफ कैसे बनी, इसकी कहानी के बाद ये भी दिखाया गया कि उनकी बेटियाँ उसके कहर से कांपती हैं। इन दोनों बेटियों की अपनी अपनी प्रेम कहानी के अलावा एक तरफा प्रेम कहानी लज्जो की भी है। सब कुछ मल्लिका जान के हिसाब से चल ही रहा होता है कि उसके अतीत का साया करवट लेता है। उसका पुराना गुनाह नए तेवर में अपने पुराने रूप के साथ फरदीन बनकर लौट आता है। ये कोठों पर कब्जे की जंग में आजादी की जंग का तड़का है। ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय लीला भंसाली ने एक ऐसी कहानी को पिरो दिया है जो आपको शुरू से आखिरी तक बांधे रखने में सफल साबित होगी। हीरा मंडी की खासियत संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन, विजन, डायलॉग्स और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस है। छोटी छोटी बारीकियों पर किस तरह से ध्यान देना है, ये कोई संजय लीला भंसाली से सीखे। हर एक किरदार की एक अलग कहानी दिखाने की कोशिश की गई है। कौन किससे बेहतर है ये तय करना मुश्किल होगा। आज की खबर के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।